समय बदलते समय नहीं लगता, क्या पता अब समय बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के आपके इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा पुलिस के बारे में। ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट 4, और जिस बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके विद्यापीठ टाइम्स की बुक, और ये बुक है कम्प्लीटली, इसमें प्रैक्टिस सेट है, और इसी में से हम कुछ सेट आज लेने जा रहे हैं इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा। अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हरियाणा पुलिस की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप सभी तमाम जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक इस चैनल पे अपलोड हुए हैं वो सभी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, अभी लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को वीडियो के एंड में अपने फ्रेंड तक शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। जितना लाइक होगा वीडियो पर उतना ही ये सर्च इंजन पर टॉप पे आएगा, और उसके द्वारा ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच सकता है जो गांव जैसे दूर दराज एरिया में रहता है, जिसके पास महंगी महंगी बुक परचेस करने के लिए ना तो पैसा है ना ही आसपास कोई मार्केट है। तो इसलिए उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और जितना मैक्सिमम लाइक आप कर सकते हैं आप उतना लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 4। निम्न में से किसका या किनका बोध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है इसका? अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, और चारों ही ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने हैं, और उसका राइट आंसर देना है आपको 10 सेकंड में। 10 सेकंड में एक्चुअली आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी है, ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, उसका राइट आंसर देने हैं। ये है आपकी टाइम लिमिट जिसमें आपको राइट आंसर देना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो है आपका ये दोनों, ए और बी दोनों ही है, मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लाडनू या बिजोलिया? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सही जवाब देना है आपको, गलत नहीं करना है। राइट आंसर पे 1 नंबर आपको देना है, और नेगेटिव पर भी आपको 1 नंबर माइनस करना है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया, उस वर्ष का नाम पूछ रहा है, तो वो वर्ष कौन सा था? 1832, 1836, 1838 या फिर 1842? क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब जो है इसका वो होगा आपका बी, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ के तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो एक आंदोलन है जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन, तो उसका नेतृत्व किसने करा था? उसका नाम पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़ रियासत ने करा था, जींद रियासत ने करा था, या फिर दुजाना रियासत ने? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है इसका सी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डकार के नाम सॉरी डाकर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी एंड डी। अगर आपका आंसर राइट होता है तो अच्छी बात है, अगर रॉन्ग होता है तो उसको किसी पेन पेपर में नोट जरूर करना। ये बातें मैं अपने पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहली बार इस चैनल पे मेहमान हैं। जी हाँ, उनके लिए। अब देखिए, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर यमुनानगर? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर है इसका सी, सिरसा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई? 15, 20, 21, 12? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होगा इसका ए, 15। यमुनानगर जिले के बूंद कला में
किस प्रकार के विद्युत उत्पादन की योजना है? नाभिकीय विद्युत, सौर, जल या फिर तापीय? क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर है इसका सौर विद्युत। जिला कौन सा है? जिला है आपका यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 9 है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? करनाल जिले में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका बाहर देशों में क्या होता है, निर्यात होता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का? क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका लिबर्टी जूतों का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? अंबाला का, कैथल का, फरीदाबाद या फिर महेंद्रगढ़? क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है इसका ए, अंबाला। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? जगाधारी, सिरसा, पंचकुला या फिर भिवानी? ध्यान से पढ़िएगा इसको, रेलवे का वर्कशॉप पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है इसका ए, जगाधारी। क्वेश्चन नंबर 12, सुमिलित करना है हमको, सही मिलान चूज करना है। पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका 4 3 2 1 ए। चार तीन दो एक। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी किसको? जोहराबाई को, कल्लन खां, पंडित जसराज या फिर हुद्दू खां? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर है इसका ए, जोहराबाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? अजीब प्रथा है, लेकिन बुजुर्ग की डेथ पर कौन सा डांस करा जाता है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 खेड़ा नृत्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है क्या? पाग, फाका, साफा या फिर अंगा? क्वेश्चन नंबर 15 पाग। छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? सोरसेनी, औदिच्य, अहिरवाटी या फिर बंगरू? क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है इसका बी, औदिच्य। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तीज, निर्जला ग्यास, सलोड़ी या फिर सीली साते? क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर है इसका सी, सलोड़ी। घंटेश्वर मंदिर अवस्थित कहाँ पर है? ये घंटेश्वर मंदिर जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको पक्का पता होगा, शायद इन्होंने ये सब मंदिर देखे भी होंगे। यमुनानगर में है, पानीपत में, कैथल में, रेवाड़ी में? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है इसका रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणा व्रत की घोषणा की? चारों ऑप्शंस पढ़िए, इसका सही जवाब है आपका ए, फतेह सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर, किस जगह पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? ए बी सी डी मतलब कुंडली में, मानेसर में, साधोपुर में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा आपका सोनीपत, मतलब कुंडली में। और देखिए, अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहे हैं मैक्सिमम, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक बुक पढ़नी पड़ेगी, लुसेंट जीके की, उसको ख़त्म करना। ये मैं
मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, लूसेंट बुक आप पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए उसके अपने हिसाब से, या फिर उसकी वीडियो आप इस चैनल पे वॉच कर सकते हैं। बुक वो कम्प्लीट हो चुकी है, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो सब अपने हमने हाईलाइट कर रखे हैं, वो देख लीजिए। और उसके बाद अपनी हरियाणा की स्टेट की जीके पढ़ लीजिए, किसी भी बुक में से मार्केट से बुक ले आइए हरियाणा जीके की, वहाँ से पढ़ लीजिए, इतना बहुत है बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया? गुड़गांव, पानीपत, अम्बाला, फरीदाबाद। तो 21 राइट आंसर है इसका डी, फरीदाबाद। देखिए ऐसे ही आप स्पीड रखिए, जिस दिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना पढ़ने की और समझने की, तो ऑटोमेटिक आप इतनी स्पीड से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे, और ये दिन भी आएगा। देखिए अगर आप रॉन्ग आंसर को नोट नहीं कर रहे हैं जानने के बाद भी, पिछले वीडियो आपने देखे हैं बट फिर भी आप उनको नोट पेन डाउन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि टाइम आपको पास करे, ये वक्त मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कभी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिंच होता है जब एक लंबा समय बीत जाता है तैयारी करते करते। तो सही समय पर चौके छक्के लगा दो, मैच को जीत लो अपनी लाइफ के, अपने लाइफ के कैरियर को जीत लो कि हाँ अब मेरी जॉब लग गई, सरकारी जॉब का ठप्पा लग गया अपने ऊपर। क्योंकि अपने पूछते हैं बेटे एग्जाम कैसा हुआ, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है अंदर से, अगर हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो ये एहसास होता है कि यार मैंने नहीं पढ़ा था, कमी मेरे अंदर ही थी। एग्जाम जब देके आते हैं ना तो माइंड में काफी सारे किंतु परंतु होते हैं, काश मैंने उस पे ध्यान दिया होता सब्जेक्ट पे तो मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया होता, काश मेरा मैथ अच्छा होता, RS वगैरह पढ़ ली होती तो मेरा मैथ अच्छा होता तो मैं एग्जाम पक्का क्रैक करता। तो किसी भी प्रकार का संदेह आपके अंदर नहीं होना चाहिए एग्जाम देने के बाद भी। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, आग लगने पर कुआं मत खोदो, कुछ ना कुछ पक्का जलेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ हानि पक्का होगी अगर आप एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले ही स्टडी करते हैं। तो तैयारी अभी से कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझदार को इशारा काफी, मेरा कहने का मतलब केवल यही है। 22 हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? तो 4 जिलों के नाम तरीके से दे रखे हैं आपके सामने, तो इसमें से थोड़ा सा विचार करिए इसमें और अपना राइट आंसर चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर है इसका ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वैसे कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाती है? 500 रुपये, 700 रुपये, 800 या फिर 1,000? तो 23 राइट आंसर है इसका डी, 1,000 रुपये उनको प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चारों नाम आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका JC शाह। देखिए एक होती है जीके स्टेटिक और एक होती है डायनेमिक। डायनेमिक जीके आपकी चेंजेबल होती है, तो इस प्रकार के जो आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी इस समय, वहाँ के CM कौन है वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से साथ साथ टैली करते चले जाएं, अपनी करंट अफेयर्स अलग से पढ़िए हरियाणा की, वहाँ से भी आपके उसमें एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पक्का बनेगा। राजनीति से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है, तो वो GK वगैरह आप नेट पे सर्च मार लेना आपको मिल जाएगी, हरियाणा की दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। यूट्यूब के एक्चुअली कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा मतलब कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे कि कैसे सर्च करना है क्या करना है, मैं तो सिंपल वीडियो बनाया एडिट करा और वीडियो अपलोड कर दिया, आपके सामने हाजिर हो गया वीडियो लेकर के। तो मुझे पता है कि अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो आपने कम से कम 15 से 20 चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे होंगे, 2,000 चैनल की एक आईडी से लिमिट होती है, एक आईडी से आप 2,000 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिस्ट चेक करें तो आपकी लिस्ट में कम से कम 25 से 30 से प्लस सब्सक्राइब करे हुए चैनल अभी तक पड़े होंगे, धूल मिट्टी खा रहे होंगे, नोटिफिकेशन आता होगा, शायद आप देखते भी नहीं होंगे। तो मेरा फाइनली कहने का मतलब ये है कि आप केवल सिंपल कम चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक चैनल को ढंग से फॉलो करें, तभी होगा सिलेक्शंस। 2,000 अगर लिमिट है तो अच्छा, 2,000 लिमिट होती है एक आईडी से सब्सक्राइब करने की, अभी करता हूँ दबा करके सब्सक्राइब, सबको करता हूँ लगाता हूँ ढेर, तो ये मत करिए। कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, कम सब्सक्राइब करिए और उनको उन सभी को फॉलो करिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, वरना सब्सक्राइब करते करते बाल सफेद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि समय कहाँ से खिसक गया आपके हाथ से। तो समय को पहचानो, समय का तुम कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा, अदरवाइज डैश 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 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी है क्वेश्चन मार्क। क्या फुलकारी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25, फुलकारी का अर्थ होता है हरियाणा के गांवों में बड़े बाग या फिर कला, भवनों पर फूलों का अधिक कल्पन या फिर शॉल बनाने की कला। 25 सही जवाब है इसका आपका बी, मृद भांड की कला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 69 में, 1969, 1992, 1961, 1965। 26 सही जवाब सी, 1961। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं, लाल तथा पीत मृदा, टुंड्रा मृदा, पॉड सॉल्स, धूसर भूरी मृदा। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर है इसका सी, पॉड सॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समवर्षा, समताप रेखा, समदाब रेखा या समलवण रेखा। बात कर रहा है समान मात्रा में वर्षा वाले स्थान, इस पर फोकस करना, थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफी बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है दोनों ही। 28 सही जवाब ये, सम मतलब समान, वर्षा मतलब वर्षा, सम वर्षा। ठीक है, ऐसे लिंक बनाइए आप लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है किसको? भाई जल कहाँ मिलता है? पृथ्वी को, है ना? इतना अच्छा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 31, पेरम्बूर मतलब चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी या फिर हावड़ा मतलब कलकत्ता। तो इसका सही जवाब है आपका ए, पेरम्बूर चेन्नई। आगे बात करते हैं 32, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? व्यास, झेलम, सतलज, घाघरा। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर इसका सी, सतलज। आगे बात करते हैं 33, बागान कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें या फिर चार फसलें? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस। ध्यान से पढ़िए अगेन, 10 सेकंड में आंसर दीजिए आप लोग, 10 सेकंड ही आपकी लिमिट रहेगी आंसर देने की, क्वेश्चंस पढ़ने की, ऑप्शंस पढ़ने की। 33 राइट आंसर है इसका बी, खाद्येतर फसलें। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, बी कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण या फिर विजय। 34 राइट आंसर है आपका बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, कि कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वार्ट्स, माइका, ग्रेनाइट या फिर वान मृतिका। 35 सही जवाब वान मृतिका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी वंशों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? उस वंश का नाम गुलाम लोदी, सयम या फिर लोदी, गुलाम तुगलक एंड तुगलक लोदी। तो सही जवाब इसका बनेगा, वो बनेगा आपका सी, गुलाम तथा तुगलक। आगे बात करते हैं, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? असमिया, बंगला, ब्रज एवं अवधी। 37 सही जवाब है इसका असमिया। आगे बात करते हैं, पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर ने, शेरशाह ने, औरंगजेब, अकबर। 38 सही जवाब बनेगा इसका आपका क्या, क्या लग रहा है आपको? इसका राइट आंसर होगा आपका बी। दे दीजिए अपना आपको एक नंबर, अगर गलत हो तो एक नंबर काट लो। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीबर, हाँ बीरबल ने, तानसेन या फिर मानसिंह।
39। सही जवाब है आपका बी, बीरबल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919, 1927, 1934, 1942। 40 सही जवाब है इसका 1919। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में, हरिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 41, राइट आंसर है इसका सी, लखनऊ में। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ की थी? लॉर्ड वेलेसली ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिंटन ने। 42, चार ऑप्शन सबके सामने, तो इसका राइट आंसर है डलहौजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये, और हर एक एग्जाम में काम आएगा, दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी पुलिस क्यों ना हो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लेना, अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो पेन डाउन मत करना, क्योंकि एग्जाम में जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है वो जाता है, जो जा रहा है उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? मैक्सिमम उसका रिविजन करके, उसके नोट्स बना करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो है वो क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की गैर अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरण, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। तो 43 सही जवाब है इसका डी। आगे हम बात करते हैं, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। 44 सही जवाब है आपका बी, सीजियम। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है क्या? जो 3D फिल्में आप लोग देखते हैं, आंखों में स्पेक्स लगाते हैं, उसमें जो चश्मे होते हैं, चश्मों में कौन सा लेंस होता है? वो उस लेंस का नाम पूछ रहा है। उत्तल लेंस होता है, अवतल होता है, पोलो रॉइज्ड होता है, या द्वि फोकसी लेंस होता है। तो 45 सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा आपका पोलोराइज्ड, ये लेंस होता है 3D चश्मों में। 3D चश्मे जो होते हैं, मतलब फिल्म जो देखते हैं, तो उसका एंजॉय करने के लिए ये हमको आईज में पहनना पड़ता है। आगे बात करते हैं 46। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। देखिए, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित हो रही है वो किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सौर कोशिका एंड ग्रामोफोन। 46 सही जवाब है इसका माइक्रोफोन के द्वारा। आगे बात करते हैं, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुत्यात में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। 47 सही जवाब है इसका बी, ऑक्सीजन। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी एंड गोइटर। 48 डी, गोइटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इक्षु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। 49 सही जवाब है इसका बी, रक्त। क्वेश्चन नंबर 50। यह नर लिंग हार्मोन है, तो नर लिंग हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 लगाइए राइट आंसर इसका, राइट आंसर है इसका सी, टेस्टो स्टेरॉन, टेस्टो स्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 51 है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? गुर्दा, फेफड़ा, अंडाशय या वृषण, या वृषण बोलते हैं इसको। तो 51 सही जवाब है इसका अंडाशय। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा विषाणु, मतलब वायरस, मानवों के संक्रामक है? ध्यान से पढ़ना इसको, बिल्कुल ध्यान से, फालतू यहाँ वहाँ की थॉट नहीं आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस में, कि शर्मा जी ने ये बोला, वर्मा जी ने ये बोला, फेसबुक पे ये हुआ, व्हाट्सएप पे उसने ये रिप्लाई करा। तो इस तरह की थॉट पढ़ते समय अगर आती है तो आप जेन्युइन तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समय को धोखा दे रहे हैं, और पता नहीं किस किस को धोखा दे रहे हैं। जी हाँ, जियो को धोखा दे रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं उसके डाटा का मिस यूज कर रहे हैं। तो पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा माइंड से हटाइए सब कुछ। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे मन कहीं और लगाओगे तो कहाँ लगेगा पढ़ाई में मन? बच्चों पढ़ो, आगे बढ़ो,
52 राइट आंसर इसका H5N1। प्रतिरक्षक तकनीक का विकास किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने, लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट कोच ने? 53 राइट आंसर इसका सी, एडवर्ड जेनर ने। आगे बात करते हैं 54। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज पूछ रहा है ये, 0, 31 to 66, 40 या फिर 80%। 54 सही जवाब है इसका, 0%। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग होता है? ये सामग्री पूछ रहा है जिसके द्वारा क्या बनती है सीसा पेंसिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन या अभ्रक। तो 55 सही जवाब जो होता है इसका होता है ग्रेफाइट। देखिए सीसा का मतलब सीसा नहीं होगा, सीसा में होगा मैक्सिमम आपका ग्रेफाइट। आगे बात करते हैं, सीसा मतलब लेड संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? क्वेश्चन आगे बढ़ लीजिए। सीसा मतलब लेड संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? 56 चार ऑप्शंस आपके सामने। तो 56 का सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा डी, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। आगे बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला तोता एंड हरित काचर। 57 सही जवाब जो होगा वो होगा ए, एप्सम लवण। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, हेलोजनों में हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्या? फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 58 राइट आंसर है आपका ए, फ्लूओरीन। भारत के संविधान में संघीय ये जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में हुआ है, भाग थर्ड में हुआ है, अनुच्छेद 368 में हुआ है, या संविधान में कहीं भी किसी पेज पर इसका शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने। 59 राइट आंसर इसका बनेगा आपका डी। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? मूल अधिकार कहाँ पे विद्यमान है संविधान के किस भाग में? भाग फोर में, भाग फाइव में, सेकंड में या फिर थर्ड में? क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर है इसका डी, थर्ड में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, बी या सी दोनों? 61 सही जवाब है इसका सी, भैरव सिंह शेखावत। आगे बात करते हैं 62 में, संसद में शामिल है क्या क्या? संसद किससे मिलके बनती है, संसद का निर्माण कौन कौन चीजें करती हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती आप पक्का कर रहे हैं, उस गलती का पता लगाइए। या पढ़ते समय हमने जो मेन जो इम्पोर्टेंट बुक थी हमने उठा के पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम उस बुक को, शायद हमारा ध्यान ध्यान जो होगा बुक में नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। तो इसलिए दोबारा से उस बुक को उठाइए और रिविजन मारिए उस बुक का अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मॉक टेस्ट कभी दिए होंगे ना लाइफ में किसी भी चीज के, वहां पर आपको ये क्वेश्चन पक्का मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उच्चतम न्यायालय में ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। 63 का है आपका ए, गोलकनाथ का मामला। सिक्सटी 64, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 64 सही जवाब जो बनेगा इसका बनेगा ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 65 समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवण या फिर परावर्तन? 65 राइट आंसर है इसका डी, परावर्तन। 65 तक जीके के क्वेश्चन थे, बाकी आगे के क्वेश्चन चलेंगे आपके इंग्लिश वगैरह के, हिंदी वगैरह के, तो आप वो ध्यान से देखना, खुद सॉल्व करिए इसको। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है और बच्चे बोर हो जाते हैं।
वीडियो को पॉज करते रहिए, ठीक है? हर एक क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, जैसे ये मैंने दिखाया था ना, यहाँ वीडियो को पॉज करिए, 73 चार ऑप्शंस, यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद में 74 75 76 77 यहाँ पे पॉज करिए, चारों सॉल्व करिए, 78 79 80 81 यहाँ वीडियो को पॉज करिए, 82 क्वेश्चन नंबर ये है, 83 84 पॉज कर लीजिए यहाँ पर, 85 ध्यान से पढ़ना, दो ऑप्शंस इसके आगे मिलेंगे, 12 और 14, ठीक है? 86 87 चार ऑप्शंस, 88 89 चार ऑप्शंस पॉज करिए यहाँ पर, 90 91 92 93 ताजमहल ये पढ़ना इसको, ठीक है? चार ऑप्शंस ये यहाँ पर हैं इसके, 94 95 97, उसके बाद में 98 98 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए क्या करा है, 98 99 एंड 100, ये है पूरी आपके आंसर की, 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है? और इसके बाद में इसमें आपको दिखाई देगा धार्मिक आंदोलन स्थापना स्थल कहाँ पे था, संस्थापक कौन थे, ये सब इस बुक के एंड में है, तो ये भी मैंने स्कैन कर रखा है आपके लिए, देखिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसमें आप अगेन 100 लाइक मुझे 24 घंटे बाद आप प्लीज़ दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझको मिलता है मोटिवेशन नया वीडियो बनाने के लिए। तो मैक्सिमम लाइक करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। लाइक का मतलब ये नहीं कि आप ही अकेले इसको लाइक 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 बटन दबाते रहें, तो एक बार लाइक होगा एक बार डिसलाइक होगा, एक बार लाइक होगा एक बार डिसलाइक होगा, तो आपके पास केवल परमिशन होगी एक बार ही लाइक करने की, बाकी के जो लाइक बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो फ्रेंड तक अपने शेयर करिए इस वीडियो को, क्या पता कल उसको कोई अच्छा वीडियो मिल जाए वो आपको शेयर कर दे, तो ये हेल्प का सहायता का सिलसिला बंद मत करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड को ग्रुप में डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने या फेसबुक में, जैसे भी शेयर करना है वैसे करिए। तो फ्रेंड, इस बुक के अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक के वीडियो मिलेंगे, इन सभी बुक के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उस पर क्लिक करें, लिस्ट खुल के आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी, इन सब पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट में, और आप चाहें तो बुक को परचेज भी कर सकते हैं, बुक के इस बुक का लिंक मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर लिंक आपको नहीं मिलता है तो आप इसको मार्केट में जाके पता कर लीजिएगा, वहां से आपको ये बुक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान से पढ़ना, अगली बार आप वीडियो को जब भी पढ़ेंगे अपने साथ में A4 पेज लेके बैठेंगे, अगर आज आप नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में प्लीज़ A4 पेज लेके बैठना, 100 तक की काउंटिंग लिखना, आपका जो भी स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना, और जिसने अपना स्कोर बनाया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।